वेलकम बैक वंस अगेन एवरीवन टू येट अनदर एपिसोड ऑफ दृष्टिकोण। मेरा नाम है श्वेता सिंह और आप सुन रहे हैं मुझे मेरे नए पॉडकास्ट पर, जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर और लेते हैं लोगों के पर्सपेक्टिव्स। लेकिन आज जिस विषय में मैं बात कर रही हूँ उसमें नज़र और नज़रिया भिन्न होने की कोई संभावना ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ प्रभु श्री राम की। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि आने वाले मेरे एपिसोड में मैं आपको किसी बहुत खास से मिलवाने वाली हूँ, और उनसे मिलवाने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी माध्यम की भी आवश्यकता है। दोस्तों, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, राघव लला के फिर से विद्यमान होने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाइयां देती हूँ और आशा करती हूँ, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी पर अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। आज हम प्रभु श्री राम के कुछ व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका आज की तारीख में हमारे आसपास, हमारे खुद के अंदर अंश मात्र भी उपस्थित होना शायद हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो। उनके बारे में कहा गया है कि वो मर्यादा की पराकाष्ठा हैं। जी हाँ, उनके व्यक्तित्व जैसा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। संपूर्ण भारतीय समाज के लिए आदर्श के रूप में प्रभु श्री राम को उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार श्री राम की दो अक्षरों में रा और म एक ताली की तरह हैं, जो संदेह के पंछियों को हमसे बहुत दूर ले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, प्रभु श्री राम का नाम लेने से जितने भी संदेह होते हैं सब दूर हो जाते हैं। श्री राम के चरित्र के विषय में बहुत सारे कवियों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। पूर्व की ओर से कृतिवास रामायण में महाराष्ट्र में भावार्थ रामायण चलती है। हिंदी में तुलसीदास जी की रामायण सर्वत्र प्रसिद्ध है ही। सुदूर दक्षिण में महाकवि कंबन द्वारा लिखी गई कंप रामायण अत्यंत भक्तिपूर्ण ग्रंथ है। स्वयं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम ग्रंथों के विस्तार का वर्णन कुछ यूं किया है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सदकोटि अपारा। मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी संबंधों को पूर्ण तथा उत्तम रूप से कैसे निभाया जाए, ये प्रभु श्री राम ने हमें बताया है। अगर हम उनके जीवन पर दृष्टि डालें तो उसमें अपूर्णता दृष्टिगोचर कहीं हो ही नहीं सकती। जिस समय जैसा कार्य किया जाना चाहिए, जिस समय जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, जो संयम, जो धैर्य, जो सहनशीलता, जो प्रेम, जो भाव होने चाहिए, वो ही प्रभु श्री राम ने हमें दिखाए हैं। श्री राम रीति नीति प्रीति और भीति सभी को जानते थे। प्रभु श्री राम ने हमें नियम और त्याग एक साथ सिखाया है। जाते जाते बस एक छोटी सी और बात जो मेरे दिल को छू गई। जी हाँ, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा में राम का जो जिक्र है, जो वर्णन है उनके महान जीवन के विषय में, उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही सहज है, बहुत ही सरस है। उसकी दो पंक्तियां कुछ यूं हैं, हे राम, तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। श्री राम, तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। जी हाँ, उनका चरित्र अपने आप में एक संपूर्ण काव्य है, और जो उन्हें जान ले, समझ ले, उसका कवि बन जाना तो स्वाभाविक ही है। ऐसे बहुत सारे वर्णन बहुत सारे कवियों और साधुओं द्वारा किए गए हैं,
मैं एक बार फिर से आप सभी को, हम सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। बहुत जल्दी ही मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एक बार फिर से, मेरा नाम है श्वेता सिंह और आप सुन रहे हैं मुझे दृष्टिकोण पर। आज जिस डोर में, जिस रिश्ते में प्रभु श्री राम ने एक बार फिर से हमें चेताया है, उसी भाव को लेते हुए अगले एपिसोड में मैं राय लेने वाली हूँ अपने आसपास दिखने वाले, मिलने वाले कुछ यंगस्टर्स की। ऐसा देखा गया है कि आज जो जोश और जो भाव यंगस्टर्स में स्पिरिचुअलिटी को लेकर देखे जा रहे हैं, वो वाकई कमाल के हैं। तो इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। मैं लेकर आऊँगी एक खास मेहमान को। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय श्री राम।